इस आंदोलन को इन्होंने खालिस्तान ही कहने की कोशिश की, वो इनकी सबसे अब इनको भूल हो गई है। अब ये काफ़ी इस पर चुप भी लगा गए हैं कि जो सिख समुदाय और जो पंजाबी समुदाय पूरे देश के लिए लड़ता है, देश की एक शान कहते थे, उसको खालिस्तानी करके जो बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की, एक तरह से अपने पैर में ही उन्होंने कुल्हाड़ी मारी। अब खैर इस भी मुद्दे पर ये चुप भी लगा रहे हैं। मैं तो अभी पूर्वांचल से होकर के आया और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गया था, वहाँ पर पहली बार लोगों के मन में इस आंदोलन के प्रति सहानुभूति है। जो लोग कल तक मोदी का समर्थन करते थे और मोदी मोदी करते थे, वो भी कह रहे हैं कि आखिर ये किसान क्यों इतने परेशान हैं। छः सालों में लगातार जनता ने मोदी सरकार का प्रतिरोध किया है और तमाम जन आंदोलन हुए हैं, दलितों के आंदोलन हुए हैं, सीए विरोधी आंदोलन हुए हैं, मजदूरों के भी कुछ आंदोलन हुए हैं, लेकिन 6.5 सालों में जो सबसे बड़ी चुनौती मिली है मोदी सरकार को, वो है किसान आंदोलन से मिली हुई है। उसकी वजह, और मोदी सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इससे निपटे कैसे, क्योंकि इसके पहले वो ये काम कर लेते थे जो इस आंदोलन के साथ वो कर पाने में सफल नहीं है, कि हर चीज़ को हिंदू मुसलमान के बाइनरी में बांट करके या ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते थे। इस जन आंदोलन को भी उन्होंने कभी खालिस्तानी कह करके, कभी माओवादी कह करके, कभी नक्सली कह करके और राष्ट्रद्रोही साबित करने की कोशिश की, लेकिन ये जन आंदोलन है और इसके साथ कम से कम इस देश की भारत सरकार ये मानती है कि इस देश में 60% जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से खेती पर निर्भर हैं, किसानी पर निर्भर हैं, और 60% का मतलब हुआ कि जो ये करीब करीब 70 करोड़ की से वो 80 करोड़ के आसपास की आबादी है, वो इसका मुद्दा है, उसका मामला बना। और एक चीज़ आप इस आंदोलन में देख रहे होंगे कि इसने दो चीज़ों को एक साथ टारगेट किया है। एक टारगेट इसके पास अगर हिंदू फांसीवाद है तो दूसरा टारगेट इसका कॉरपोरेट है, क्योंकि अब जनता को ये पता चल गया है कि जो भी हिंदू मुसलमान की बात की जाती है, हिंदू मुसलमान का बंटवारा किया जाता है, उसका उद्देश्य होता है कि लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर दूसरी दिशा में देखें और उस दौरान देश की जो संपत्ति है, देश की जो संपदा है, वो कॉरपोरेट घरानों को सौंप दिया जाए। तो आपने देखा होगा कि इस जन आंदोलन में, किसानों के जन आंदोलन में सबसे बड़ी बात जो दी है किसके निशाने पर, कॉरपोरेट हैं, और कॉरपोरेट जो मुट्ठी भर देश के कॉरपोरेट हैं उनको यह जन आंदोलन निशाना बना रहा है, और उसके साथ जो हिंदू फांसीवाद है उसको भी ये निशाना बना रहा है, एक चीज़ इसकी। और दूसरी चीज़ जो इसकी बहुत बड़ी खूबी है कि आपने देखा होगा कि पूरे जन आंदोलन को किसानों ने पोलिटिसाइज नहीं होने दिया, यानी किसी राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं बनने दिया, कि कांग्रेस ने अपना मंच बनाने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी ने अपना मंच बनाने की कोशिश की, या किसी ने भी इसे मंच बनाने की कोशिश की, तो किसानों ने इसके पोलिटिकल मंच बनने नहीं दिया। इसका परिणाम ये है कि अगर देश के अलग अलग आप हिस्सों में जाएंगे तो लोगों की इस जन आंदोलन के साथ सहानुभूति है। लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि ये किसानों के हित में, अगर ये सारा तीनों कृषि बिल जो हैं वो किसानों के हित में हैं, तो फिर किसान उससे संतुष्ट क्यों नहीं है, उनको तुम सहमत क्यों नहीं कर पा रहे हो। असल बात ये है कि इस देश के में जो खेती है और खेती की जो ज़मीन है, किसान ये अच्छी तरह समझ गया है कि ये पूरी ज़मीन ये कॉरपोरेट के हाथों में सौंप देना चाहते हैं, और जैसे पूरी दुनिया में कुछ 5% 6% किसान होते हैं और शेष मजदूरा होते हैं, तो किसानों को एक मजदूरे में तब्दील कर देना चाहते हैं, वो चाहे वो शहर में जा करके गार्ड बने, वो चाहे अपने ही खेत में जो उसका कल खेत था उस खेत में कॉरपोरेट की मजदूरी करे, यानी किसानों के मजदूरी में मजदूर में तब्दील कर देना चाहते हैं। एक बात और कि ये भले ही पंजाब में एक केवल एक संगठन का आंदोलन नहीं है, जैसे संगठन के आंदोलन को ये तोड़ने में सफल हो सकते थे एक हद तक तोड़ हो सकते थे, लेकिन ये जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन निश्चित तौर पर पंजाब से बना, लेकिन ये जन आंदोलन अब हरियाणा तक भी पहुंच चुका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंच रहा है, और धीरे धीरे ये पूरे देश में एक जन आंदोलन बन रहा है, और जन आंदोलन से निपटना इनके लिए सबसे पॉलिटिकल चुनौती है। यहाँ ये देख लीजिए कि ये जन आंदोलन इतना बड़ा है कि अब तक 20 लोग शहीद हो चुके हैं, और मैं आपके वर्कर्स यूनिटी के इस मंच से उन 20 शहीदों के को नमन करना चाहता हूँ जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं, और उनके प्रति अपना एक सम्मान और श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहता हूँ कि अब तक 20 लोग इसमें शहीद हो गए हैं। एक चीज़ और जो इस किसान आंदोलन को खास बना देती है, वो पंजाब
और सिख समुदाय की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। सिख समुदाय एक बहुत ही विनम्र समुदाय, आप जानते हो कि पूरी दुनिया में सेवा करते हैं लोगों की, सीरिया में जाकर के, कहीं किसी के साथ कोशिश कर, सीरिया आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा, कहीं युद्ध के मोर्चे पर आपने देखा होगा कि जो सिख समुदाय है किसी की मदद के लिए तत्पर रहता है, अपना सब कुछ दांव पर लगा करके तत्पर, और ये जितना प्रेम करना जानता है उतना ही लड़ना भी जानता है। किसी भी आंदोलन के साथ ये बड़ी समस्या होती है कि कोई आंदोलन टिकने के लिए न्यूनतम आर्थिक संसाधन, खाने के पीने के संसाधनों की भी जरूरत होती है, और एक आर्थिक जो इसका पंजाब बेस इसका आधार होने के चलते, और किसान आंदोलन का इसका आधार, किसान दूसरे को अन्न देता है, ये अन्न देने वाले लोग हैं, इनको अन्न की कमी के चलते इस किसान आंदोलन को तोड़ा नहीं जा सकता है, और इस किसान आंदोलन को जो समर्थन है यहीं से नहीं है, लंदन में बैठे हुए लोग भी इसके साथ लंगर लेकर के खड़े हैं, तो कनाडा में बैठे लोग लेकर के खड़े हैं, और आप देख रहे होंगे, आपने पहले ही दिन से देखा होगा कि पंजाब, अरे दिल्ली से एक युवक युवती जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल पदों पर काम करते हैं, वो चाय लेकर के, वो पकौड़ा लेकर के, वो दवाई लेकर के खड़े हैं। तो ये किसान आंदोलन को इस आधार पर कोई सोचे सरकार तोड़ देगी कि इनका पानी नहीं इनको मिल पाएगा, इनको खाना नहीं मिल पाएगा, इनको दवाई नहीं मिल पाएगी, जो किसान पूरे देश का पेट भाव, पंजाबी किसान, हरियाणी किसान, जो कि पूरे देश में इसका पैदावार की सप्लाई होती थी, और एक तरह से इस किसानों ने देश की भुखमरी मिटा दी, बफर स्टॉक बना दिया, तो अगर कोई सोच रहा है कि इसको खाने पीने की कमी के चलते इसको तोड़ा जा सकता है, तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। दिक्कत यह है कि मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, भाई गई गति सांप छछुंदर केरी, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ करें क्या, किसानों का इतना जबरदस्त दबाव है कि उस दबाव का सामना नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ रोज रोज ये कहते रहे कि ये किसी कृषि बिल इतना बहुत ही अच्छा बिल है, किसानों के हित का बिल है। एक तो मोदी की सबसे बड़ी बात है कि मोदी ने अपनी ऐसी छवि बना ली है, देवता की छवि बना ली है कि वो जो भी करते हैं वो सब सही करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता। अब वो आदमी इतना अहंकारी है कि सारी दुनिया जान गई कि नोटबंदी कितनी गलत थी, भारतीय अर्थव्यवस्था 2% पीछे चली गई और पिछले 8 क्वार्टर से पीछे जा रही है और इस समय निगेटिव जा रही है, नोटबंदी उसमें भारत के लिए तबाही लेकर के आया था, लेकिन यह बंदा एक बार भी ये बात नहीं माना कि उससे कोई गलती हुई, वो खुद को भगवान समझता है, वो सोच, अरे मोदी ये सोचते हैं कि जैसे वो कोई ईश्वर के अवतार, और खुद उनके समर्थक भी ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे वो कोई अवतार हैं और उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। अरे भाई तुमसे गलती हो गई, गलती नहीं हुई है, असल बात क्या है, किसान भी समझ रहे हैं, सारे नारों में और भाषणों में आप देख रहे होंगे, हुआ ये है कि ये सारा भाजपा का उभार ही दो चीज़ों से हुआ है, कॉरपोरेट के पैसे से, हिंदू मुसलमान तो इन्होंने किया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें किसने अपनाई है, जो कॉरपोरेट का पैसा है, अडानी का पैसा, अंबानी का पैसा, और उन्हीं अडानी अंबानी के लिए कृषि बिल लाया गया है, ये किसान समझ रहे हैं, और उन्हीं के पैसे से ये भाजपा सरकार जीती है। दूसरा जो पॉइंट इसके साथ है कि ये जो मीडिया रात दिन लगी हुई है, जो किसानों को भी बदनाम करने में लगी हुई थी, आप जानते हैं खालिस्तानी का करके कि इसमें पाकिस्तानी आ गए हैं तो इसमें नक्सली आ गए हैं, ये जो मीडिया का इतना बड़ा समर्थन है और जो इतना पैसा भाजपा को मिलता है, ये कॉरपोरेट घरानों से मिलता है, और वो खेती पर जो निगाह है उन कॉरपोरेट घरानों की ही है, और किसान इसी नाते आप देख रहे होंगे कि जो पुतले जलाए जा रहे हैं, जितने आप बैनर देख रहे होंगे, उन निशाने पर अडानी और अंबानी। एक बहुत बड़ी घटना इस देश में घटी है कि इस किसान आंदोलन ने अपने निशाने पर मोदी, अडानी और अंबानी लाया। असल में जो ये हिंदुत्व की बात करते हैं, अब पूरे देश की जनता समझ रही है, क्योंकि इनको ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुसलमान है, तो ये जो समझ में आ रही है कि हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू मुसलमान बंटवारे के नाम पर ये जो मोदी सरकार कर रही है, इसका मूल उद्देश्य है इस देश के जल को, जंगल जमीन को, किसानों के खेती को, किसानों की, किसान क्यों नहीं समृद्ध होना चाहिए, कहा जा रहा है अरे भाई इनके पास कार है, किसान दिन रात जो खटता है उसके पास कार नहीं होना, तुम 5 मिनट तक आप 5 घंटे ऑफिस में बैठते हो, इतनी लंबी लंबी कार पर तुम चलते हो, तुम किसी छोटी सी एजेंसी में बैठ रहे हो, इतनी दद्दत तुम्हारे बेटे के लिए कार, तुम्हारी बेटी के लिए कार, सबके लिए कार है, और जो किसान अपने परिवार के साथ रात दिन खटता है उसके पास कार क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके घर में एसी क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका अच्छा अच्छा मकान क्यों नहीं होना चाहिए, और ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो एक कार से उतरते हैं और दूसरे कार में बैठते हैं और बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं, वो किसान का मतलब उनके समझ में आ रहा है कि किसान कोई भिकमंगा होना चाहिए, क्यों किसान को भिकमंगा होना चाहिए भाई। और एक बात जान लीजिए, किसी को लगेगा कि पंजाबी किसानों, सिख किसानों,
पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, इस देश में इतनी पैदावार कर दी 40 सालों तक इस देश का पेट भरा। आप पलायन के दौरान जो ये फ्री में गेहूँ चावल दे पा रहे हैं, वो पैदावार किसने किया है? इन्हीं किसानों ने किया है। और जो ये सब कुछ किया, आज उसी को आप ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। तो ये जो सारा कुछ खत्म करने की योजना, और किसान अच्छी तरह से समझ गए हैं।